हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नबी आई 7.2 का रिव्यू मैंने आपको प्रॉमिस किया था तो वो मैं लेके आ गया हूँ। व्हाट्स न्यू अगर आपको देखना है, क्योंकि अपडेट काफी बड़ा है, 1.5 GB का है, इसमें काफी सारे नए फीचर्स है, तो आप व्हाट्स न्यू वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अपडेट डाउन इंस्टॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और अपडेट कब आई थी हमारी, तो मंडे को आई थी। आज जो है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, फ्राइडे सैटरडे को आपको वीडियो जो है जरूर देखने मिलेगी। अब इतने दिन मैंने इस्तेमाल किया, 4 से 5 दिन ऑलमोस्ट जो है मैंने अपडेट को डाउन इंस्टॉल करने के बाद इस्तेमाल किया, तो अपडेट कैसी रही है, क्या आपके फोन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है इससे, क्या बैटरी लाइफ इंप्रूव होगी या खराब होगी, ये सब आपको अभी इस वाले वीडियो के अंदर समझ में आ जाएगा। iOS 17.2 के ऊपर आपको बैटरी लाइफ कैसे मिलने वाली, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू डिस्कस, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं इसको चेक करता हूँ, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आइडल बैटरी ड्रेन जो है इसके अंदर मुझे जीरो देखने मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लास्ट चार्ज 100% पे कब किया था, एक स्क्रीनशॉट है, और यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया था कल सुबह 7:12 को लिया था, रात में 12 बजे मैंने इसको चार्जिंग पे से हटा दिया था, उसके बाद मैंने इसको यूज नहीं किया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और सुबह 7:12 को मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया जहां पे आप देख सकते हैं 1% भी आइडल बैटरी ड्रेन नहीं हुआ है। तो iOS 17.2 के अंदर आइडल बैटरी ड्रेन 1% भी नहीं होना चाहिए अगर आपकी बैटरी की हेल्थ जो है वो 100% पे है। अब यहां पे बैटरी लाइफ एक्चुअल में कितनी मिली है वो मैं आपको लाइव दिखा देता हूं, स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखाऊंगा। यहां पे देख सकते हैं अभी मेरी जो बैटरी है वो 7% पे है सिर्फ, और ऐसा आपको कभी करना नहीं चाहिए, 20% के नीचे जाने नहीं देना चाहिए, उसको चार्ज पे लगा देना चाहिए, 30% आइडियल रहेगा। लेकिन यहां पे मैं टेस्ट करने के लिए ऐसा करता हूं, यहां पे सेटिंग्स बैटरी में जाते हैं, बैटरी हेल्थ चार्जिंग 100% कैपेसिटी है, चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन को नन रखा हूं, आप नन मत रखना, इसको 80% पे सेट करके रखना ताकि ये सही से चार्ज करे, उसके ऊपर चार्ज करना सेंस नहीं बनता। और मैं आपको यहां पे ये चीज भी दिखा देता हूं कि लास्ट चार्ज मैंने किया था इसको 12 बजे रात को थर्सडे की, मैंने इसको जो है निकाल दिया था। अब थर्सडे है और आज फ्राइडे है जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, यहां पे आप देख सकते हैं इस फ्राइडे थर्सडे मतलब वेंसडे की रात जब 12 बज गए और थर्सडे लग गया, उस टाइम पे मैंने इसको चार्जिंग पे हटा दिया। तो थर्सडे रात 12 बजे से लेके फ्राइडे रात 12 बजे तक मतलब कल की रात को इसने 24 घंटे पूरे कर लिए, और आज फ्राइडे का दिन है तो आज देख सकते हैं शाम के 5 बजे और अब भी मेरा आईफोन 15 प्रो मैक्स जो है वो चलता चला जा रहा है, और 1 घंटा मैं इसको आराम से यूज कर सकता हूं। अभी मैंने यहां पे लो पावर मोड लगाया नहीं है, लो पावर मोड लगाऊंगा तो और मुझे ये बैटरी लाइफ निकाल के देगा। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई आपको तो 4 आवर्स और 56 मिनट यानी कि 5 घंटे का स्क्रीन एक्टिव टाइम मिला है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि इसको चेक करने के लिए आपको लास्ट 10 डेज में जो है क्लिक करना होता है, और यहां पे आप देख सकते हैं ये थर्सडे का जो दिन है उसका स्क्रीन एक्टिव टाइम है जो है 4 घंटा 37 मिनट 4 आवर 37 मिनट्स, और यहाँ पे फ्राइडे का यानी कि आज का देखेंगे 2 आवर्स 23 मिनट्स है, यानी कि ये 2.5 घंटा और ये 4.5 घंटा हो गया 7 आवर्स का स्क्रीन एक्टिव टाइम, और उसी के साथ आपको मिल रही है जो बैटरी लाइफ 41 आवर्स की यहाँ पे देखने मिल रही है, 24 घंटे हो गए उसके बाद 12 घंटे और, तो 36 आवर्स और 5 घंटे यानी कि अभी 5 बज रहा है, तो आपको 41 आवर्स की बैटरी लाइफ साथ ही 7 आवर्स का स्क्रीन एक्टिव टाइम, तो ये मेरे हिसाब से काफी सही चीज है। एक्टिविटी भी आप ये देख सकते हैं, आप ये है थर्सडे की जहाँ पे इंस्टाग्राम मैंने 1 घंटा यूज किया, बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, व्हाट्सएप जो है 1 घंटा या 1.5 घंटा यूज किया, बाकी ट्विटर यूट्यूब वगैरह भी मैंने जो है इस्तेमाल किया है, और फ्राइडे का भी आप देख सकते हैं यानी कि आज का जहां पे इंस्टाग्राम अगेन 1 आवर, ट्विटर 45 मिनट्स, फिर व्हाट्सएप कॉलिंग भी जिसमें हुई थी, वीडियो कॉल्स भी हुए थे और बाकी चीजें भी मैंने यहां पे इस्तेमाल किया, बस फोन कॉल जो है ज्यादा नहीं हुए इन 2 दिनों में, लेकिन बाकी सारी चीजें जो है काफी ज्यादा इस्तेमाल की गई है। मेरे हिसाब से दोस्तों बैटरी लाइफ इज फैंटास्टिक, अगर आप सही से सारे सेटिंग्स करते हैं, हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो को फॉलो करते हैं जो बैटरी से रिलेटेड मैंने बनाया था, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और बैटरी लाइफ के मामले में आप iOS 17.2 पे बिंदास अपडेट कर सकते हो। बैटरी लाइफ अच्छी है दोस्तों, क्या हीटिंग का कोई इशू है, तो हीटिंग का कोई इशू नहीं है, हीटिंग का इशू नहीं है तभी जाके जो है इतनी अच्छी बैटरी लाइफ ये फोन निकाल के दे पा रहा है, अगर हीटिंग का प्रॉब्लम होता तो बैटरी धड़ाधड़ गिर जाती जिसकी वजह से बैटरी लाइफ अच्छी हमको देखने नहीं मिलती, तो हीटिंग के अंदर भी कोई भी यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं आने वाली, और टेम्परेचर हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कोई माइनस में या 5 डिग्री 10 डिग्री सिंगल डिजिट नहीं जाता है, रात में एकदम देर रात को 18 जाएगा वो भी आज, अदरवाइज 30 रहता है दिन में और 23 अभी शाम में 7 बजे जो है आपको टेम्परेचर दिखा रहा है। अब अगली चीज के बारे में बात करें दोस्तों जो है स्टोरेज प्रॉब्लम, तो स्टोरेज अच्छा खासा मेरे फोन का गिर गया था जिसका कल्प्रेट मैं मान रहा था अपडेट करने के बाद आईफोन स्टोरेज के अंदर सिस्टम डेटा को, तो यहाँ पे सिस्टम डेटा एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं नीचे जाके, तो अभी आप देख सकते हैं जैसे मैं आपको उस टाइम पे बोला था 1 GB 2 GB के आसपास रहते हैं मेरे फोन का, और ये मेरा प्राइमरी डिवाइस है, प्राइमरी डिवाइस का सिस्टम डेटा इतना रहना ये काफी सही है, पहले बहुत प्रॉब्लम थे 15 GB 20 GB 25 GB और अपडेट इंस्टॉल करने के बाद शायद 23 GB के आसपास गया था मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन अभी देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है और यहाँ पे कोई भी स्टोरेज बग नहीं है, आपकी जो लॉस्ट स्टोरेज है वो भी आपकी रिटर्न आ जाएगी कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद, तो प्रॉपर्ली अगर आप यूज करते हैं मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हैं बैटरी रिलेटेड और फोन को यूज करने से रिलेटेड, तो आपको कोई भी दिक्कत जो है नहीं आनी चाहिए। अगली चीज है दोस्तों नेटवर्क परफॉर्मेंस, तो नेटवर्क परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा है इस वाले अपडेट में, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रही है, एक नया मोडेम फर्मवेयर भी आपको देखने मिल रहा है इसके अंदर, और वाईफाई ब्लूटूथ एयरड्रॉप सेलुलर डेटा सारी चीजें मेरे फोन के अंदर जो है परफेक्टली काम कर रही है, इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, वाईफाई कॉलिंग भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे पास सैमसंग का S23 Ultra भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके अंदर वाईफाई कॉलिंग जिस तरीके से चलती है उससे काफी बेहतर मेरे 15 प्रो मैक्स
मैक्स पे चलती है। तो मैं यहाँ पे दोनों में डिफरेंस भी आपको बता सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे नेटवर्क रिलेटेड कोई इशू नहीं है और नेटवर्क इज फैंटास्टिक ऑन आईफोन 15 प्रो मैक्स ऑन iOS 17.2। अब अगली चीज है दोस्तों ग्रीन स्क्रीन इशू। अब ग्रीन स्क्रीन इशू उन लोगों के लिए काफी बड़ा इशू है जिनके फोन आउट ऑफ वारंटी में, खास करके पुराने फोन 13 होगा, 14 होगा, 12 होगा और ओएलईडी डिस्प्ले वाले फोन। सबसे ज्यादा खतरा आता है 13 प्रो मैक्स 13 मिनी पे मैंने इतना सुना नहीं है, लेकिन इस वाले अपडेट में ऐसा मुझे कुछ देखने नहीं मिला। लेकिन हो सकता है आपका फोन आउट ऑफ वारंटी है तो उस पर ग्रीन स्क्रीन इशू आ सकता है और एप्पल क्योंकि इसको एक्नॉलेज नहीं करता एज अ प्रॉब्लम तो आपको इनके तरफ से कोई सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। लेकिन 13 प्रो मैक्स वालों को करके देते हैं एप्पल स्टोर बीकेसी और साकेत वाले, बीकेसी का तो मुझे पता है पक्का, लेकिन बाकी 13 वगैरह रहेगा तो आपके जेब से आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास आईफोन 13 वगैरह आउट ऑफ वारंटी है तो नहीं करेंगे तो बेटर रहता है, क्योंकि क्या होता है कभी ग्रीन स्क्रीन इशू आ गया तो फिर आपके ऊपर ही पूरी तकलीफ आ जाती है, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा उस मामले में और कम से कम आपको 10,000 तो खर्चे करने ही पड़ेंगे। अगर आप बाहर कहीं पे थर्ड पार्टी में रिपेयर कराते हो और एप्पल पे कराते हो तो 30,000 से 35,000 रुपए लग जाते हैं उसके लिए। ग्रीन स्क्रीन इशू का जब तक सोल्यूशन एप्पल की तरफ से नहीं आता, एप्पल बोलता नहीं कि हमने इसको सॉल्व कर दिया है, तब तक मैं तो नहीं मानूंगा कि उन्होंने सॉल्व किया है। बाकी अभी फिलहाल ज्यादा सुनने में नहीं मिल रहा ग्रीन स्क्रीन का इशू, ये मैं आपको प्रॉपर फीडबैक दे सकता हूं एक एप्पल ऑथराइज रीसेलर के सर्विस सेंटर से, मैंने पूछा इसके बारे में। थोड़ा सेफर साइड पे जा रहे अभी एप्पल के अपडेट्स, लेकिन फिर भी खतरा है जब तक कि एप्पल की तरफ से कोई खबर हमको नहीं मिलती। परफॉर्मेंस एंड ऐप क्रैशिंग, देखिए मैं बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करता हूँ, काइट वगैरह यूज करता हूँ जो एक स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन है और बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करता हूँ, मेरा प्राइमरी डिवाइस है, सोशल मीडिया अपना पूरा जो है इसी डिवाइस के जरिए से मैं इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम है उस पर वीडियोज डालता हूँ। अभी मैंने एक रील डाली, अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है मुझे तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो छोटे मोटे रील्स वगैरह मैं डालते रहता हूँ और जो शॉर्ट वीडियोज मैं यूट्यूब पे डालता हूँ उसके पहले मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, स्टोरीज डालता हूँ, तो आप कनेक्टेड रहेंगे अच्छे से। तो सारे एप्लीकेशन में प्रॉपर्ली यूज करता हूँ, कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं आ रही, जीमेल यूज करता हूँ, अमेजन यूज करता हूँ, ऐप क्रैशिंग वाला जो है मामला यहाँ पे नहीं है और गेम्स वगैरह भी काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे चल रहे हैं इसके अंदर, तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। और बहुत सारे एप्लीकेशन होने की वजह से मैं ज्यादा अच्छे से बता सकता हूँ आपको कि इस वाले अपडेट में एप्लीकेशन के अंदर कोई क्रैशिंग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है। बस मेक श्योर कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आपने बहुत टाइम से अपडेट नहीं किया एप्लीकेशन को, तो ऐप स्टोर में चले जाइए और यहाँ पे ऊपर जो आपका फोटो रहता है वहां जाके स्वाइप डाउन कीजिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं 31 अपडेट्स आए हुए हैं, तो 31 अपडेट्स मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये जनरली उन एप्लीकेशन के जो मैं रेगुलर यूज नहीं करता, रेगुलर यूज वाले अपने जो एप्लीकेशन है वो अपडेट होते रहते हैं। बाकी यहाँ पे व्हाट्सएप वगैरह का भी अपडेट आया है तो कीजिए, क्योंकि बग फिक्सेस जो है ये लोग प्रोवाइड करते हैं आपको और वो चीज जो है आपके फोन में इंस्टॉल होनी चाहिए, ये ज्यादा सही रहता है आपके लिए ताकि ऐप क्रैशिंग वगैरह आपको फेस ना करना पड़े। अब फाइनल बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको iOS 17.2 पे अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए अगर फोन वारंटी के अंदर है तो बिंदास अपडेट कर सकते हो, बहुत अच्छा अपडेट है, बैटरी लाइफ भी आपको अच्छी देखने मिलेगी, हीटिंग जो है बिल्कुल जो है ना के बराबर है यहाँ पे इस वाले अपडेट के अंदर। और अगर आपकी बैटरी हेल्थ अच्छी है तो हीटिंग प्रॉब्लम, बैटरी ड्रेन वाला प्रॉब्लम, ओवरनाइट बैटरी ड्रेन वाला प्रॉब्लम जो है आपको नहीं आना चाहिए इस वाले अपडेट में। बाकी कोई भी दिक्कत आती है अगर अपडेट इंस्टॉल करने के बाद, एक बार आप जो है फोर्स रिस्टार्ट कीजिए अपने आईफोन को, वॉल्यूम एक बार आप दबाइए, डाउन दबाइए क्विकली और फिर यहाँ पे स्लीप की को पकड़ के रखिए, फोन पे एप्पल लोगो आएगा, जब लोगो आएगा तो उंगली छोड़ देना अपनी, फोन रिस्टार्ट हो जाएगा, पासवर्ड एंटर करना, उसके बाद काफी सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो बस यही थी कहानी दोस्तों iOS 17.2 की। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे मेरा जो रिव्यू है पसंद आया होगा और आपके जो भी थॉट्स है, आपका जो एक्सपीरियंसेस है वो मुझे आप कमेंट में लिख के जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका वीडियो पसंद आया होगा, पसंद लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।